अब तो हम गए। अब क्या करेंगे? करें क्या, जल्दी से स्कूल भाग लो वरना पापा जम के पिटाई करेंगे। हम कैसे निकालें उसे वहाँ से? कूल कूल, एक तो दिमाग वैसे ही काम नहीं कर रहा है। पर से क्या करें, क्या करें? आइडिया, एक काम करते हैं। रिया तू एक काम कर, पापा के पास जा और पापा को बातों में लगा, तब तक मैं और सचिन जी को लेकर आते। ओके। वाह वाह वाह, पापा को बिजी रखना इतना इजी नहीं है। अच्छा ठीक है, रहने दो चीको लैब में। ओके ओके, मैं जाती हूँ। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। ऑल द बेस्ट सचिन। आस्था जल्दी आओ। आ तो रही हूँ, इसमें बुलाने की क्या जरूरत है? तुम अंदर क्यों आ गए? जी को ले रहे। तुम ना दरवाजे पे खड़े रहो, मैं उसको लेती हूँ। और ध्यान रखना, मम्मी पापा में से कोई भी आए ना तो मुझे बता देना। ठीक है, ध्यान से ढूंढना। जी, 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 तुम क्यों बुला रहे हो? टेबल के नीचे देखो, वहां देखो जल्दी। हमारा यहाँ बैंड बजा हुआ है और ये महाराज आराम से सो रहे हैं। आज खबर लेंगे हम तुम्हारी, स्कूल चलो हमारे साथ। सर पर चढ़ते जा रहे हो, आज मजा चखाएंगे हम तुम्हें। हेलो सचिन, उसको डांटने की कोई जरूरत नहीं है, गलती तुम्हारी है स्टूपिड। हमारी? हाँ तुम्हारी। जब तुमने इसे लैब में देखा था तो इसे वहाँ छोड़कर आने की क्या जरूरत थी? ये तो बेचारा बच्चा है, वो भी एलियन का। पर तुम्हें तो अकल है ना? आस्था आस्था, वो तो हम अब ज्यादा फंबल करने की जरूरत नहीं है। अब इसको डांटना भी मत, अच्छे मूड में इतनी शैतानी कर रहा है। मूड खराब हो गया ना तो हमारा बैंड ही बजा देगा। क्या हुआ, चीज मिला? कॉमन वॉइस में बात करना। पहले ये बता कि चीज मिला है नहीं। चीज यहाँ बैग में है, हम चिल्लाकर बात कर रहे हैं, तू भी चिल्ला के बात कर सकती है। थैंक गॉड। रिया क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? अरे आस्था ने तो कहा कि चिल्लाकर बोलो। हे भगवान, इस घर में एक से एक बड़े स्टूपिड भरे हुए हैं। क्या तुमने पापा मम्मी को स्टूपिड कहा? जी नहीं, मैंने तुम्हें और सचिन को स्टूपिड कहा। या आस्था, तू किसी को भी स्टूपिड बोल, पर मुझे स्टूपिड कहा ना तो देख लेना। अच्छा ठीक है, अब लड़ना बंद करो, स्कूल के लिए हमें देरी हो रही है, चलो जल्दी जल्दी चलो। एक मिनट, एक एक्साइटिंग न्यूज़ तो सुन लो। अब जी ने क्या किया? जी ने कुछ नहीं किया, पापा ने किया। क्या? पापा ने गोवा लेकर जा रहे हैं। वो नहीं बता। पापा ने नहीं बताया? पापा कभी कुछ बताते हैं क्या? हमें तो उनके एक्शन से ही समझना पड़ता है ना। एक्शन से? हाँ पता है, अभी पापा पेपर में क्रॉसवर्ड कर रहे थे, इसका मतलब हम गोवा जाएंगे। ये दम दम शिक दम 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 शिक। देखा सचिन, मैं इसलिए इसको स्टूपिड कहती हूँ, गोवा से क्रॉसवर्ड का क्या रिलेशन है रिया? अब समझो सचिन, मैं आस्था को स्टूपिड क्यों कहती हूँ? वो पेपर में लिखा था कि जो भी ये जीत जाएगा ना उसे गोवा में लेकर जाएंगे फॉर अ ट्रिप। वाओ, फॉर 4 days 3 nights। रिया तुम्हें ना चीख की आदत लग गई है, हर बात पर उछलने लग जाती हो। ये आई लव गोवा, आई लव गोवा, आई लव गोवा, आई लव गोवा। रिया अंकल तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, तो वो बिजी है, उनके पास टाइम नहीं है। ओहो, पापा मम्मी से कह रहे थे कि वो कल से पूरे फ्री है, उन्हें कोई काम नहीं है, वो घर पर ही रहेंगे। ये कैसे हो सकता है? अंकल का कल भी मूड ठीक नहीं था, वो आंटी से ऐसे ही बात कर रहे थे। अच्छा चलो फिर चलकर देखते हैं हम लोग। चलो। राहुल
राहुल मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जब तुम्हारे पास पहले से इतनी अच्छी जॉब है तो फिर ऐसी उल्टी सीधी जॉब ढूंढने की क्या जरूरत है? जॉब है नहीं, जॉब थी। मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि कम से कम तुम डॉक्टर खुराना से बात तो करो, उनको जाकर अपने एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स तो दिखाओ। पति मैं उन्हें सब दिखा दूंगा, लेकिन आई नो वो मुझे एसआरओ से निकाल कर ही रहे। इससे पहले कि वो मुझे निकाल दें, मुझे एक और नौकरी जाकर देखनी चाहिए। और आज तुम भी अच्छी तरह से समझ लो रति, तुम उस ग्रेट साइंटिस्ट राहुल श्रीवास्तव की वाइफ नहीं, बल्कि एक बहुत ही कॉमन अनसक्सेसफुल फेलियर इंसान की वाइफ है। राहुल, अब तो मैं पापा से गोवा के बारे में बात भी नहीं कर सकती क्योंकि इनका मूड खराब है। रिया, यू नो शट अप नाउ प्लीज, बहुत हो गया। हाँ रिया, पूरे रास्ते गोवा गोवा करती आई हो तुम, अब थोड़ा स्कूल स्कूल भी कर लो। स्कूल तो मैं रोज ही करती हूँ, गोवा गोवा किए कितने दिन हो गए। हाय आस्था। हाय सचिन। हाय छुट्टी। हाय। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम रिया है। ओके मैम। हाय रिया, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कैन यू डू विद आस्था? रिया, बहुत खुश लग रहे हो विशाल। तो खुश कैसे नहीं रहूंगा, दो दो बैडमिंटन के मैच जीत कर आया हूं। और पता है क्यों? क्यों? इनफैक्ट वो लकी रैकेट नहीं मिलता ना तो मैं इंटर स्कूल क्या इंटर कॉलोनी वाले से भी मैच नहीं जीत पाता। क्या ये बैग से बाहर कैसे आया? क्या हुआ आस्था? कुछ भी तो नहीं। अब तुमने मुझे मेरा लकी रैकेट वापस कर दिया है। अब देखना, मैं इस रैकेट को किसी को छूने भी नहीं दूंगा, और अगर कोई इसे तोड़ने की हिम्मत करे ना तो मैं उसे तोड़ दूंगा। कोई उसकी तरफ नजर उठाकर देख भी नहीं सकता। वो सब तो ठीक है, लेकिन सिर्फ लकी रैकेट होने से कुछ नहीं होता, है ना सचिन? आप इसलिए जीते क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हैं। और क्या, अगर विशाल भैया भाग कर नहीं खेलेंगे तो क्या रैकेट अपने आप उड़ेगा हवा में? रियली, तुम इतनी मेहनत करते हो, ये सब तुम्हारी मेहनत का असर है। यू आर रियली हार्ड वर्किंग। लकी रैकेट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, सो प्लीज क्रेडिट गोज टू माय लकी रैकेट। लकी रैकेट, लकी रैकेट एंड लकी रैकेट। बाय गाइस, आई एम गोइंग विद माय लकी रैकेट। बाय। विशाल भैया का रैकेट उनके पास है तो किसने किसका रैकेट तोड़ा? रिया, सचिन, तुमने हमारा रैकेट देखा? तुम्हारा रैकेट? हाँ। कैसा था तुम्हारा रैकेट? ब्लैक कलर का? हाँ, ब्लैक। और उसका हैंडल भी ब्लैक लग रहा था? हाँ। ब्लैक एंड व्हाइट वायर से? हाँ। और तुम्हारा रैकेट बिल्कुल विशाल भैया के रैकेट जैसा था? हाँ, हाँ, वैसा था। हमने कल ही खरीदा। तुमने कल खरीदा ना? हमने आज ही। चलो। ओए यार, ये लोग ने आज नहीं देखा तो उन्हें को पता कैसे चला कि रैकेट का कलर ब्लैक था लेकिन उसके वायर्स ब्लैक एंड व्हाइट थे? कलर तो ब्लैक था ना। तुम लोग टेंशन मत लो, मैं पापा से बात करूंगी। पापा एक्सपेरिमेंट नहीं छोड़ेंगे, पापा एक्सपेरिमेंट फिर से शुरू करेंगे, और देखना इस बार एक्सपेरिमेंट जरूर सक्सेसफुल होगा। आस्था, अगर वो ये एक्सपेरिमेंट 50 बार भी करेंगे ना तो भी ये ठीक नहीं होगा। क्या तुमने मेरे पापा को इतना कमजोर समझ रखा है? नहीं रिया, ये सब ना इस डफर ची की वजह से हुआ है। ची? ची ने क्या? उसे ना ये राहुल अंकल के लैब गया, वहां पर ना सारी फाइल्स के पेपर इसने उड़ा दिए, सब गायब कर दिए। अब बताओ वो ये एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि उनके पेपर्स कहाँ हैं। ओह माय गॉड, बज गया ना बैंड। इसका मतलब पापा को अब सर्विस छोड़नी पड़ेगी। और क्या? और गोवा भी कैंसिल? गोवा नहीं, अब तो सब कुछ कैंसिल रिया। स्कूल जाना भी कैंसिल करना पड़ेगा? रिया, तुम बात को समझ नहीं रही हो। आस्था का मतलब ये है कि हमें अपने खर्चे कम करने होंगे। क्यों? पापा अगर सर्विस नहीं करेंगे तो सैलरी नहीं मिलेगी,
और सैलरी नहीं मिलेगी तो पैसा कहाँ से आएगा? एटीएम है ना, वहाँ से आएंगे। नॉनसेंस, एटीएम में पैसे डालने भी तो पड़ते हैं ना। नहीं नहीं, मैं पापा से कहूँगी कि वो ये सर्विस करे। हाँ, तू कुछ मत करना, सब पापा को ही कहना। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कोई बड़ी साइंटिस्ट थोड़ी ना हूँ, मैं तो अभी केमिस्ट्री की स्पेलिंग पढ़ रही हूँ। रिया, हम पैसे बचा सकते हैं ना। हाँ, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी। हाँ, हम भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे। मैं क्या करूंगी? आप ऑर्डर देंगी रिया मैडम, या वही लेकर आऊं जो रोज लेकर आता हूँ? 3 वीक सैंडविच और 3 कोल्ड ड्रिंक। हाँ, ले आओ। रुको 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 रुको, आप सिर्फ 2 सैंडविच लाना और सिर्फ 2 कोल्ड ड्रिंक लाना। ओके? अच्छा अंकल, अंकल आप ऐसा करो, आप सिर्फ 1 सैंडविच लाइए और 1 सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है अंकल? ठीक है। आप एक काम करिए, आप कुछ मत लाइए, सिर्फ पानी पिला देना। हाँ, वैसे भी हम लोग पास कर रहे हैं। राहुल, can you do this? वो मैं तुम्हें बताती हूँ शरद। राहुल को ऐसा लगता है कि इस एक एंटी ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट के फेल होने से राहुल साइंटिस्ट ही नहीं रहे। इन्होंने आज तक जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं वो इन्होंने नहीं किए, इनकी जगह कोई और आकर करके गया था। ये तो सिर्फ दूर बैठकर तमाशा देख रहे थे। राहुल, मैं क्या सुन रहा हूँ? क्यों दोबारा सुन रहा? प्रति दोबारा बता दो। देखो देखो, There is no need to be sarcastic, यार। भाभी जो भी बोल रही है तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही है। मैं जानता हूँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मेरी कंडीशन मुझसे अच्छा और कोई नहीं जानता है, ओके? You know, ये एंटी ग्रेविटी का एक्सपेरिमेंट, इट वॉज ऑलमोस्ट डन, एकदम तैयार था मेरे पास, लेकिन मैं नहीं बता, ना ही मैं अपना कॉन्फिडेंस खो चुका हूँ, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं साइंस का एस भी नहीं जानता हूँ। सो प्लीज जस्ट गिव मी अ ब्रेक, I want to take a break and I want to take a really, really big break, okay? Please, मैं तुमसे हाथ जोड़ के request करता हूँ। अपने experiment की reading एक बार फिर से ले लो राहुल। तुम्हारे analysis formula को हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं राहुल। हाँ राहुल, यही तो मैं भी कह रही हूँ। मेरे लिए, अपनी family के लिए, please राहुल, एक बार और try करके देख लो। मैं बहुत बड़ी fashion designer बनूंगी। बड़े बड़े मॉडल्स के लिए कपड़े डिजाइन करूंगी और बहुत सारा पैसा अर्न करूंगी। हम बड़े होकर कंप्यूटर इंजीनियर बनेंगे और हम एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करेंगे जो सभी भाषाओं में होगा। लेकिन वो सब बनने के लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे ना, वो हम कहाँ से लाएंगे? जी, तुम बैग के अंदर ही रहोगे समझे? और उसे वहाँ चॉकलेट की पड़ी है। रिया, इसे पैसे समझ आएंगे क्या? नहीं समझ में आता तो समझाओ ना इसे। C for chocolate. हाँ, C for chocolate और M for money. समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, M for money. हमारी दुकान में कुछ गड़बड़ी करके रखी है। जी, ये क्या किया तुमने? हाँ, भाग लोगे क्या जी? जी, चोरी करना बहुत बुरी बात है, समझे? चोरी कहाँ की है इसने? छीनाई तो है। हाँ, हमारे पास एक आइडिया है। चलो। तुम चोर है। उड़ गए
वो बहुत अपसेट भी लग रहे हैं। अपसेट भी और डाउन भी। यस सर। अब उसे और डाउन करते हैं, है ना? फॉलो मी। सैडी। यस सर। सैडी जरा जबलपुर फोन लगाना मेरे कजन मिस्टर मुंगेरी को। क्यों सर? क्योंकि डॉक्टर खुराना मुझसे कह रहे थे कि बहुत जल्द एक पोस्ट वैकेंट होने वाली है यहाँ, और वो चाहते हैं कि मेरा कजन मिस्टर मुंगेरी यहाँ पर काम करे। मिस्टर मुंगेरी फ्रॉम जबलपुर। लेकिन सर डॉक्टर खुराना ने ऐसा कब कहा था? सैडी कहा था? उस वक्त तुम वहाँ नहीं थी। नहीं सर, उस वक्त तो मैं वहाँ पे थी। सैडी, जब मैंने कहा तुम वहाँ नहीं थी, मतलब तुम वहाँ नहीं थी। सर एक बात कहूँ? तो सर, जब आप कह रहे मैं वहाँ नहीं थी, तो मैं वहाँ सच में नहीं थी। anyway, अगर कोई तुम्हारा भी कजिन है तो मुझे बता दो, क्योंकि डॉक्टर खुराना कह रहे थे कि बहुत जल्द एक और पोस्ट खाली होने वाली है। हाँ, है ना सर, मेरा एक कजिन है सर, प्लीज उसकी यहाँ जॉब लगवा दीजिए ना सर, प्लीज सर। राहुल सर, आपको डॉक्टर खुराना ने अपने कैबिन में बुलाया। लगता है राहुल और बत्रा की स्टोरी का दी एंड होने वाला है। यस। मम्मी, आपने कहा था पापा तो दोपहर तक आ जाएंगे, पर अब तो रात हो गई है, कहाँ है पापा? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। आंटी, आप उन्हें फोन कर लीजिए ना। नहीं बेटा, उन्होंने फोन करने के लिए मना किया था। आ जाएंगे ना मम्मा, अब टेंशन मत लीजिए, मैं आपको और एक जोक सुनाती हूँ, ठीक है? रिया, हमें कोई जोक नहीं सुनने है, प्लीज। पहले तो हमें जोक सुना सुना के पका चुकी है। शड़ा बस्ता, मैं मम्मी से बात कर रही हूँ ना। मम्मा, मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ। अब प्लीज, हाँ, और जोक्स मत सुनाना प्लीज। आस्था, मैं तो मम्मी को रिलैक्स करने के लिए बोल रही थी। अंकल, राहुल कहाँ रह गए थे तुम? और डॉक्टर खुराना ने क्या कहा? डॉक्टर खुराना ने वही कहा जो उन्हें कहना था। उन्होंने मुझे जॉब से टर्मिनेट कर दिया। What? नहीं रति, नहीं, डॉक्टर खुराना ने मुझे टर्मिनेट नहीं किया, बल्कि मुझे प्रमोट कर दिया। अब मैं पहले से भी हायर पोस्ट पर हूँ। सच में राहुल? It's a miracle, रति, it's absolutely a miracle। तुम्हें पता है, जब मैं डॉक्टर खुराना के रूम में गया और मैं अपना फॉर्मूला निकाल के जनरेट करने लगा, मुझे बहुत डर लग रहा था, फिर सडनली मैंने देखा कि ये फॉर्मूला वर्क करने लग गया उनकी आंखों के सामने रति, and it was a success। I'm successful, रति, it's an absolute success। और जब तो डॉक्टर कोहना ने क्या कहा, इस साल का बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड मुझे ही मिलेगा। Yes, yes.